बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। क्या आपने हमारा चैनल विज़िट कर लिया है, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं? अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें देखिएगा, दूसरों से शेयर कीजिएगा, और अगर नहीं आ रही तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हम उनको आपके लिए बेहतर बना सकें और आपके वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा कीमती बना सकें। आप सबके तआवुन का बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज एक बहुत अहम समाजी मौजू के साथ हाजिर हूँ, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक वाक़या। ये वाक़या आपने पहले भी सुन रखा होगा, और ये वाक़या है दो दोस्तों का जो जंगल के सफ़र में जा रहे थे। अचानक उनका वास्ता पड़ा एक रीछ से। एक साहब जो उनमें से ज़रा तेज़ थे, वो दोस्ती को भूल भाल के दरख्त पर चढ़ गए और दूसरे दोस्त को ऐसे ही छोड़ दिया। रीछ उसकी तरफ बढ़ने लगा, वो ज़मीन पर लेट गया, उसने अपनी सांस रोक ली और अपने आप को मुर्दा जाहिर कर दिया। रीछ उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा, सांस बंद महसूस होने पर उसे छोड़ दिया और चला गया। रीछ के दूर जाने के बाद दरख्त पर चढ़ा हुआ दोस्त नीचे उतरा और उसने अपने दोस्त से पूछा, मुबारक हो, रीछ ने तुम्हें छोड़ दिया, वैसे वो तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? उसने अपने हवास बहाल करते हुए कहा, उसने मुझे कहा था कि ऐसे लोगों को अपना दोस्त नहीं बनाना कि जो तुम्हें मुश्किल में छोड़ दें। तो नाज़रीन, इसके हवाले से हम इंग्लिश और उर्दू दोनों में एक कहानी पढ़ते हैं। इंग्लिश में अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड के नाम से, और उर्दू में इसका सबक होता है कि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। आपने वो शेर तो सुन रखा है कि आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। वो तो एक ख़ास पस मंज़र में है, लेकिन सच ये है कि जो दोस्तों के नाम पे लोगों का एक अम्बोह कसीर आपके करीब होता है, आजमाइश की किसी घड़ी में आप पे हकीकत खुलती है कि वो तो महज आपके जानने वाले थे और दोस्त नहीं। आमतौर पर हमारे इर्द गिर्द लोगों का एक हजूम होता है, हमारी पढ़ाई के दौरान, हमारी जॉब में, घूमने फिरने के दौरान, उठने बैठने और मुख्तलिफ़ जगहों पर जाने के दौरान वो लोग हमारे साथ होते हैं। बज़ाहिर वो हमारे दोस्त कहलाते हैं और हम भी इस बात में फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारा उठना बैठना बहुत सारे लोगों के साथ है। लेकिन हकीकत में तो इन सब का इम्तिहान उस वक्त होता है कि जब आप किसी मुश्किल का शिकार होते हैं, और एक तल्ख हकीकत ये है कि इनमें से अक्सर लोग मुसीबत आते ही फुर से उड़ जाएंगे और इनके पास आपकी मदद ना करने के 100 बहाने होंगे। आपका वास्ता भी ऐसे लोगों से शायद पड़ा हो। सारे दोस्त तो ऐसे नहीं होते, लेकिन काफ़ी ऐसे होते हैं कि जिनकी दोस्ती असल में मुसीबत के वक्त खुल के सामने आ जाती है और आप अपने फैसले पर पछताते हैं कि आपने दोस्तों के नाम पे महज खुदगर्ज लोगों को अपने गिर्द जमा कर रखा है। ये बातें थोड़ा तल्ख तो हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे माशरे में ऐसे बेशुमार वाक़यात नज़र आते हैं जहाँ दोस्त ही आपके लिए मुश्किल का ज़रिया बनते हैं, जहाँ ऐसे दोस्त मौजूद हैं कि जो आज के दौर में भी खलूस, हमदर्दी और मोहब्बत का नमूना है, तो वहाँ बदकस्मती से ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो दोस्ती के नाम पे दूसरों को धोखा तक देने से बाज नहीं आते। आज के दौर की एक बाकमाल शायरा सैयदा नसरीन सहरिश ने इसी हवाले से एक बड़ी खूबसूरत नज़म लिखी है, जो आज हया फातमा आपके सामने लेकर आ रही हैं। मेरा ख्याल है शायद ये नज़म आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी। इस नज़म में हम सुनेंगे कहानी एक बूढ़े बंदर की, जो एक मुश्किल का शिकार हुआ तो उसने अपने बज़ाहिर नज़र आने वाले दोस्तों को मुसीबत में मदद के लिए जब पुकारा तो उसके सामने अपने दोस्तों की हकीकत खुल गई, उनका असल चेहरा उसके सामने आश्कार हुआ और उसने ज़िंदगी के लिए एक बड़ा सबक हासिल किया। क्या था वो सबक? आइए सुनते हैं हया फातमा की इस नज़म में, जो सैयदा नसरीन सहरिश ने हमारे और आपके लिए लिखी है। सुनिए और अपने लिए ज़िंदगी का एक सबक हासिल कीजिए।